Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn grammar, lesson number 31, reading comprehension. कल हमने ए बी दोनों comprehension किया था, आज हम सी डी एंड ई करेंगे. Read the story and answer the questions that follow. स्टोरी रीड करते हो और एक्सप्लेन भी करते हो, आपको समझनी है. सिंगी बोंगाज स्पेशल गिफ्ट, अ फोक टेल फ्रॉम झारखंड. वंस अपॉन अ टाइम सिंगी बोंगा द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू मेक द अर्थ विद इट क्रिएटेड मैन एंड वुमेन बर्ड्स एंड एनिमल्स फील्ड्स एंड ट्रीज. सिंगी बोंगा जो है वो क्रिएटर थे, उन्होंने वर्ल्ड क्रिएट करने का सोचा जो मैन वुमेन बर्ड एनिमल और फील्ड और ट्री से बना है. अलोंग विद देम द ही क्रिएटेड द सिंगी और द सन, इट गेव लाइट एंड वॉर्म्थ. द सिंगी शोन ब्राइटली ऑल डे लॉन्ग, इट नेवर सेड सो देयर वॉज ओनली डे नो नाइट. पीपल वर्कड अंटिल दे वेर टू टायर्ड. There was no set time for work or a fixed time for rest. फिर जो है उन्होंने एक सिंगी जो द सन है वो भी क्रिएट किया था, जो गर्मी देता है, लाइट देता है, वो ब्राइट भी होता है, पूरे दिन वो ब्राइट ही रहता है. वो सन है कभी सेट होता नहीं था. ओनली वो ओनली मतलब राइज ही रहता था, वो सेट होता नहीं था. और वहाँ पे सिर्फ डे था, नाइट थी नहीं. पीपल पूरा दिन काम करते थे, जब वो थक जाते थे तब वो बैठ जाते थे. और जो टाइम सेट नहीं था, रेस्ट करने का सोने का टाइम नहीं था. सिंगी बोंगा डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. सिंगी बोंगा ने जो ये हो रहा था उसके लिए कुछ डिसाइड करने का सोचा. ही कॉल्ड द सिंगी एंड सेड यू मस्ट सेट इन द इवनिंग एंड राइज अगेन इन द मॉर्निंग. Then the people will not work when it's dark and know that it is the time to sleep. When you rise again, they will know that is another day. फिर उसने सिंगी द सन है उसको बोला कि तुमको शाम को है वो सेट हो जाना चाहिए और दूसरे दिन वापस से सुबह में राइज होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो रेस्ट कर सके और वो टाइम पर वो काम नहीं करें. यूँ के वो पूरा दिन काम करते ही रहते ही, ऐसा होना चाहिए नहीं. तुमको सेट होना चाहिए और सुबह में राइज होना चाहिए, ताकि इंसान को पता चले कि ये दूसरा दिन है. द सिंगी अग्रीड, सिंगी अग्रीड हुआ. आफ्टर शाइनिंग फॉर सम टाइम ही सेड बिहाइंड द हिल्स द पीपल वेर फ्राइटेड दे रैन हियर एंड देयर सम फेल सम गॉट हर्ट. फिर उसने अग्री किया, ओके मैं अभी सेट हो जाऊँगा शाम को, तो वो हिल्स के पीछे सेट हो गया. पूरे में अंधेरा छा गया और जो पीपल थे फ्राइटनेड मतलब घबरा गए और थोड़ा सा डर गए कि ये क्या हुआ. पहली बार उन्होंने अंधेरा देखा पीपल ने कि ये क्या हुआ, तो वो थोड़े डर गए, इधर उधर जाने लगे, थोड़े हर्ट हुए और कोई कोई गिर गया. फिर क्या हुआ, Nobody knew that what to do. किसी को पता नहीं था कि क्या करना है. Finally, the leader said, lie down and rest. You can do nothing in darkness. So people rested all night. They woke up when there was light. They worked all day and at night they slept again. The people were happy, but there was this problem. People still felt a hurt themselves in the dark. They lost or broke things. फिर क्या हुआ जो है उनको लीडर ने बोला कि जब ये डार्कनेस होगी तो आपको रेस्ट करना है और कुछ भी काम करना नहीं है, और जब रोशनी होगी तब सुबह को उठ के आपको काम करना है और दूसरे दिन शाम को वापस से सो जाना है. और पीपल थोड़े हैं वो हैप्पी हुए, पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम डार्कनेस जो वो देखा था, उनको उनकी चीज़ ब्रोक हो रही थी, लॉस्ट मतलब टूट जा रही थी, खो जा रही थी,
सिंगी बोंगा हर्ड देयर कंप्लेन्स एंड सेड ऑल राइट देन आई शेल गिव यू समथिंग दैट विल गिव यू सम लाइट. It will not be as bright as Singi, but you will be able to see. You have a chandu. He will have nice something glue. फिर उन लोगों की जो कंप्लेन थी वो सुनकर जो सिंगी था जो सन सिंगी जो सन था उसने बोला कि ओके तुम लोगों की प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक रोशनी दूंगा कि जो जो सिंगी के जैसे ब्राइट इतना सारा ब्राइट नहीं पर थोड़ी सी लाइट देता है. तो उसने उसको चंदू दिया. चंदू मीन्स हमारे जो मून होता है उसको चंदू बोलते. उसने चंदू दिया क्योंकि उन्होंने मतलब जो वो सन था वो सेट हो जा रहा था पर उसके बदले जो मून था वो राइज होता नहीं था वो बाहर आता नहीं था एकदम डार्कनेस हो जाती थी. हम आँख बंद करते और कैसे अंधेरा होता है वैसा अंधेरा पूरे वर्ल्ड में छा जाता था. इसके लिए सबने उस वो जो सिंगी था उसको कंप्लेन किया तो उसने वो उनको चंदू दिया. Then Singi Bonga created the moon. It rose in the sky and shone softly. People could see, but the light did not hurt their eyes or stop them from sleeping. It was happy life with the Singi in the day and Chandu at the night. फिर जो वो चंदू के देख के सब हैप्पी हो गए. वो इतनी ब्राइट नहीं थे और किसी की आंखें भी वो ऐसे आँख वो खींचा नहीं जाती थी एकदम अच्छा था एकदम सॉफ्ट था और उसके उनकी नींद जो है वो भी ख़राब होती नहीं था. उनको ये लाइफ से बहुत ही मज़ा आता था. सुबह में सिंगी और रात को चंदू. आपको समझ में आई स्टोरी. नाउ वो डिड द फॉलोइंग क्रिएटेड सिंगी. किसने बनाया क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. फिर भी सेट बिहाइंड द हिल्स. किसने किया सिंगी. आस्क द पीपल टू लाई डाउन एंड रेस्ट. किसने बोला लीडर ने. फेल डाउन एंड हर्ट देम सेल्फ पीपल. क्रिएटेड चंदू. सिंगी ने बनाया वर्ल्ड हार्ड टिल दे वेर टायर्ड. कौन वो हो रहा है पीपल. नंबर टू मेड द सेंटेंस इन द फर्स्ट कॉलम टू द रीजन इन द सेकेंड कॉलम. ए देर वॉज ओनली डे एंड नो नाइट. He wanted the people to have a fixed time to rest. B. People slept whenever they felt like it. There was no night. Number C. Singi Bonga asked Singi to set every day. The Singi shone all the time. Number D. The people were frightened. The people did not know what to do in the darkness. The leader asked the people to rest. They had never seen darkness. Singi Bonga created the moon. The people wanted to be able to see in the dark as well. Write the short answer from the question below. How did the people spend their time when the Singi shone all the time? People was worked until they were too tired. There was no set time for work. For worker, fixed time to rest. Number B. What was the problem the people faced when suddenly become dark? People were frightened. They ran here and there. Some fell, some got hurt. Nobody knew what to do. Now, D. मैं आपको एक बार रीड करके सुनाती हूँ. आपको उसके एक्सरसाइज है वो खुद से करनी है. रीड द पोस्टर एडवर्टाइजिंग समर वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन. Exciting summer camp for young people. Drawing workshop. How do we draw people? How do we show they are happy or sad or excited? How do we draw animals? Learn to draw fun character in the amazingly simple step. From the famous children's book, Illustrator
लिली थॉमस, 1 PM टू 4 PM, 5 May 5 to 9 मंडे टू फ्राइडे, 4 ages 8 to 12। पोएट्री राइटिंग वर्कशॉप, लर्न टू राइट वीटी लिमरिक्स, इंटरेस्टिंग अल्फाबेट पोएम, हम्बल राइम्स, अमेजिंग शेप पोएम। कविता कुमार लव वर्किंग विथ यंग पोएट्स, कम वर्क विथ हर लर्न एंड सीक्रेट ऑफ बिकमिंग अ पॉपुलर चिल्ड्रंस पोएट, 8 AM to 12 noon, May 19 to 23 मंडे टू फ्राइडे, 4 ages 9 to 11। वी कैन टेक ओनली 20 स्टूडेंट इन ईच वर्कशॉप, सो एडमिशन इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, द प्रोवाइड ऑल मटेरियल्स नीडेड फॉर द वर्कशॉप, रजिस्टर्ड बिफोर March 18 टू गेट 25 अर्ली बर्ड डिस्काउंट। कॉल रिधि ऑन 3006-5650 और राइट टू हर रिधि @youngwritersworkshop.com टू नो मोर डिटेल्स। विजिट USHTTP इमेजिन स्कूल किड्स समर वर्कशॉप्स। ये जो है उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट है, उसके ऊपर से हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिए है, हेल्प द स्टूडेंट चूज द राइट वर्कशॉप। ये आपको रीड करना है, समझना है, फिर उसमें सजेशन लिखना है। फिर जो है वो ड्राइंग वर्कशॉप तो वो कौन लेता है, लिली थॉमस, और पोएट्री वर्कशॉप हो कविता कुमार। वैसे आपको ये पूरा करना है, और जो है ई वाला जो पोएम वाला है वो आपको पूरा खुद से करना है, पूरा आप पहले पोएम है वो रीड करनी है, समझनी है और फिर फील करनी है, आपको खुद से करना है। फिर नहीं समझ में आया तो मैम PDF आपको सेंड करने ही वाले, उसमें से आपको क्वेरी कर लेना है कौन सा आपका राइट था और कौन सा रॉन्ग था। थैंक यू, जज़ाकल्ला, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।